गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पौधों की दुनिया में। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिड गुलाब की रिपोर्टिंग। गुलाब सबको अच्छा लगता है, पर इसकी क्या केयर करनी चाहिए, कैसे इसको बचाना चाहिए, कैसे रिपोर्ट करना चाहिए, कौन सी मिट्टी यूज़ करनी चाहिए, कौन से साइज़ का गमला यूज़ करना चाहिए, इन सब की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको आगे दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको इस प्लांट का अपडेट भी दूंगी। आप देख रहे हैं कि मैंने नर्सरी से ये दो प्लांट बाय किए थे। ये दो क्यों मैंने बाय किए हैं, क्यों मैं दो के बारे में आपको बताऊंगी, ये सब चीज़ें आपको आगे पता चलेंगी। तो चलिए हम इसको रिपोर्ट करते हैं। इन प्लांट्स को मैंने लाकर अपने गार्डन में रखा कुछ दिन, और आज है 14 जनवरी 2024 जब मैं इसको रिपोर्ट करूंगी। रिपोर्ट करने के लिए हमने जो गमले का साइज़ लिया है 12 इंची सीमेंट का गमला है। आप सीमेंट या मिट्टी का गमला ले सकते हैं। एक बकेट में पानी लिया है, उसमें एक चम्मच साफ फंगीसाइड हमने घोल के रख लिया है। अब हम बात करते हैं इसके मिट्टी की। तो मिट्टी में अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है। एक पार्ट राइस हस्क, एक पार्ट कोकोपिट, एक पार्ट गार्डन सॉइल और एक पार्ट गाय के गोबर की सड़ी हुई खाद। अगर खाद गाय की ना मिले तो आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं। अब हमें गमले पर 7 मिट्टी की टिकड़ियाँ रखनी है नीचे होल पर। ये 7 क्यों रखनी है और किस तरीके से रखनी है वो आप देखिए इस वीडियो में। एक के ऊपर एक लेयर लगा के मैं इसको रख रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम इसको इस तरह से ढकते हैं तो हमारी मिट्टी गमले के बाहर नहीं जाती और ना ही मिट्टी की वजह से हमारे गमले का होल बंद होता है। आज 14 जनवरी है, जयपुर में मकर संक्रांति बहुत अच्छे से मनाई जाती है। तो आप बैकग्राउंड में सुन रहे होंगे गानों की आपको आवाज़ आ रही होगी। हम अपने गार्डन में ये सब कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी आवाज़ आ रही है इसमें। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़े से मैंने इसमें सीवीड के दाने भी डाल दिए थे। अब मिट्टी को मैं बहुत अच्छे से पहले एक बार मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैंने अपने गमलों में नीचे की तरफ थोड़े सूखे पत्ते भी डाले हैं। मैं अपने हर गमले में डालती हूँ ताकि एक टाइम के बाद वो पत्ते लीफ कंपोस्ट में चेंज हो जाए और उसका फ़ायदा मेरे प्लांट को मिले। लीफ कंपोस्ट दुनिया की सबसे महंगी कंपोस्ट होती है जो हम फ्री में बना लेते हैं। उसके बाद जो मिट्टी हमने मिक्स की थी उससे गमलों को हाफ भर देना है। आधे गमले आप इस मिट्टी से भर लीजिए जो आपने मिक्सचर बनाया है। मिक्सचर बनाने का तरीका मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, वही है कि आप मुट्ठी बांधे तो लड्डू बन जाए और जैसे ही मुट्ठी खोले कि लड्डू खुल जाए। तो हाफ मिट्टी डालने के बाद मैंने आधा आधा चम्मच साफ फंगीसाइड भी दोनों गमलों में डाल लिया है। अब आप सोचेंगे कि ये मैं दो पौधे आपको क्यों दिखा रही हूँ, उसका भी एक रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊँगी। आप वीडियो में बने रहिए और मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब देखिए मैं अपने प्लांट को गमले में रख कर देख रही हूँ कि इसका ग्राफ्टेड पोर्शन कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले देशी गुलाब की रिपोर्टिंग भी डाली थी बट उसमें ग्राफ्टेड पोर्शन नहीं होता इसलिए प्रॉब्लम नहीं थी। इसका ग्राफ्टेड पोर्शन हमें ध्यान रखना है कि मिट्टी के लेवल से 1 इंच ऊपर रहे। तो अब मैंने ध्यान से सावधानी से ये जो नर्सरी बैग था उसको फाड़ के निकाल लिया है। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की जो रूट्स हैं काफ़ी डेवलप हो चुकी हैं। नीचे की तरफ तो इसमें लाल मिट्टी है परंतु ऊपर की तरफ इसमें हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है जो कि नॉर्थ एरिया में अच्छे से मिल जाती है और प्लांट इसमें अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। लाल मिट्टी का पौधा हमारे यहाँ नहीं चल पाता, इसलिए अगर आपको लाल मिट्टी वाला पौधा मिले तो इस स्टेज पर आपको 15 से 20 मिनट के लिए एक बकेट में पानी भरकर पौधे को नॉर्मली डिप करके रखना है ताकि मिट्टी अपने आप पानी में निकल जाए और आपके पौधे की जड़ें डिस्टर्ब ना हो। अब इसके बाद आपको पौधे को अपने गमले में रखकर और दो दो तीन तीन मुट्ठी डालनी है। सबसे पहले दो तीन मुट्ठी डालिए, फिर हाथ से दबा दबा के बहुत अच्छी तरीके से आप इसके सारे एयर बबल्स रिमूव कीजिए। ध्यान रहे स्पेशली गुलाब के पौधे में मिट्टी में कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए। आप चाहे हाथ से कीजिए, आप खुरपी से कीजिए, किसी डंडे की हेल्प ले लीजिए, कैसे भी करके आप हर स्टेज पर दो मुट्ठी पहले मिट्टी डालिए, फिर उसको दबाइए, फिर मिट्टी डालिए, फिर दबाइए। और ध्यान रहना चाहिए कि हमारा जो ग्राफ्टेड वाला पार्ट है वो मिट्टी से 1 इंच
ऊपर रहे। इस तरह से हमें अपने प्लांट को अच्छे से मिट्टी से भर देना है जो सॉइल मिक्सचर हमने बनाया है। अब आप देखिए, मैंने अपने प्लांट्स को एज इट इज़ लगाया है, इसकी बर्ड्स नहीं काटी हैं। उसका रीज़न भी आपको आगे पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। तो रिपोर्टिंग होने के बाद आप साफ फंगिसाइड वाला पानी जो हमने घोल कर रखा था, 2 मग्गे आप अपने प्लांट्स में दीजिए। उसके बाद 4 से 5 सेकंड आप वेट कीजिए, पानी आपका ड्रेनेज हो रहा है कि नहीं। तो 4 से 5 सेकंड के बाद हम देखेंगे कि मेरे प्लांट का पानी पूरी तरह से मिट्टी ने पी लिया है, परंतु वो नीचे गमले से नहीं निकला है, नीचे की साइड सूखा है। अगर ऐसा आपके प्लांट में है तो आप दोबारा से 2 मग पानी डालिए और ये प्रक्रिया आप तब तक दोहराइए जब तक कि पानी आपके गमले के नीचे से नहीं निकल जाता। जब निकल जाए तब आप इस प्लांट को उठाकर 10 दिन के लिए किसी शेमी शेड वाली जगह पर रख दीजिए। 10 दिन के बाद आप इसको फुल सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं और 1 महीने तक इसमें किसी तरह की खाद नहीं देनी है। ये देख सकते हैं आप, बर्ड्स मेरे प्लांट में लगी हुई हैं। इसी सेम प्रोसेस से मैं दूसरा प्लांट भी रिपोर्ट कर लेती हूँ और फिर आपको 20 दिन बाद का अपडेट दूंगी कि 20 दिन बाद मेरे प्लांट की कंडीशन क्या है। तो आज 20 दिन हो चुके हैं, आप देखिए जो बर्ड्स हमारे प्लांट पे लगी हुई थी वो अब खिलने लग गई हैं। थोड़ा थोड़ा खिल गया है, रेड कलर का इसमें फ्लावर आया है। और जो दूसरा प्लांट हमने रिपोर्ट किया था जिस पे कोई भी बर्ड्स नहीं थी, आप देखिए उस पे छोटी छोटी से नई नई स्प्राउट्स हमें दिखने लग गई हैं। देखिए छोटी छोटी ब्रांचेज आने लग गई हैं, पौधा हेल्दी बना हुआ है, ग्रोथ कर रहा है। ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इस पौधे पर कोई बर्ड्स नहीं थी, तो पौधे ने अपना सारा ध्यान ग्रोथ पर दिया, जबकि जो मेरा दूसरा पौधा था जिस पे 2 कलियां मैंने आपको दिखाई थी, उस पौधे ने अपना ध्यान ग्रोथ पे ना देके केवल कलियों को खिलाने में लगाया। इसीलिए हम कहते हैं कि रिपोर्टिंग के टाइम जितनी बर्ड्स हो वो काट देनी चाहिए। तो आज ये पूरे 26 दिन बाद का रिजल्ट है। जिस प्लांट से देखिए मैंने बर्ड्स काटी नहीं थी, वो बर्ड्स अब खिलने लग गई हैं। 2 से 3 दिन में पूरी तरह खिल जाएंगी, बट इसमें ग्रोथ नहीं हुई है, मतलब कोई नई शूट्स आपको नहीं दिखेगी। ये अभी छोटी छोटी स्टार्ट हुई हैं बनना, बट ये बहुत दिन बाद जाके हुई है। उसी तरफ ये जो मैंने दूसरा प्लांट लगाया था जिसमें कोई बर्ड्स नहीं थी, उसमें इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 बर्ड्स देख लीजिए जो लगी हुई थी वो खिल गई हैं। अब मैं आपको अपना दूसरा प्लांट दिखाती हूँ जो इसके साथ ही हमने रिपोर्ट किया था। तो ये वो दूसरा प्लांट है, इसमें आप देख सकते हैं कितने सारे शूट्स निकले हुए हैं। ये देखिए जगह जगह से नई नई ब्रांचेस निकली हैं। अब ये ब्रांचेस बड़ी होंगी और फिर इन पे बर्ड्स आएंगी। राइस हस्क डालने के वैसे तो फायदे हैं, एक नुकसान ये है कि इसमें बीड्स बहुत सारे आ जाते हैं, ये बार बार आपको इनको निकालना होता है। बाकी प्लांट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं ये नई नई शूट्स आ रही हैं, नई पत्तियां आ रही हैं जो आने वाले टाइम्स में हमें बहुत सारे फ्लावर्स देंगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही है, थोड़ी भी आपके काम आई है ना, मैंने बहुत डीपली बताने का ट्राई किया है, और अगर ये आपके काम की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालती रहती हूँ जिससे आपको आपके गार्डन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप भी मेरी तरह से ही गुलाब का पौधा लगा पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।